YouTube ऑटोमेशन का नाम जहां पे भी आता है, मोस्टली लोगों के माइंड में आता है कि हाँ मैं भी फेसलेस वीडियोस क्रिएट करूंगा और ऐसी वीडियोस क्रिएट करूंगा जो दिनों के अंदर वायरल जाएं, ऐसी वीडियोस क्रिएट करूंगा जिसपे दिनों के अंदर मिलियंस ऑफ व्यूज आएं। अगर आपका माइंड भी इसी तरह से वर्क करता है और आप भी ऐसी ही फेसलेस वीडियोस क्रिएट करना चाहते हैं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू, क्योंकि यहां पे हम YouTube ऑटोमेशन के 6 में से एक जो फ्रेमवर्क है उसको डिस्कस करेंगे और इस फ्रेमवर्क में वायरल वीडियोस पे ही काम किया जाता है। इस फ्रेमवर्क का नाम है ट्रेडिशनल YouTube ऑटोमेशन। इससे पिछली वीडियो में मैंने एक और फ्रेमवर्क के बारे में बात की थी जहां पे हम कोई वायरल वीडियोस क्रिएट नहीं करते, जहां पे हम ऐसी वीडियोस नहीं क्रिएट करते जो दिनों में मिलियंस के अंदर व्यूज लेकर जाएं, बट ऐसी वीडियोस क्रिएट करते हैं जो इन द लॉन्गर रन हमें 8 साल 9 साल 10 साल तक रिटर्न्स लाके देती हैं, और वो होती हैं सर्चेबल वीडियोस, वो होती हैं ऐसी वीडियोस जो सर्च पे जाके रैंक कर जाती हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी या पिछला फ्रेमवर्क अभी तक नहीं समझा तो इस वीडियो को एंड करने के बाद वो भी लाजमी देखें और उसके बाद डिसाइड करें कि मैंने किस फ्रेमवर्क में जाके काम करना है। जिन लोगों को नहीं पता, ये हमारा YouTube ऑटोमेशन का फ्री कोर्स चल रहा है जिसमें मैं 30 एपिसोड्स में आपको YouTube ऑटोमेशन डिटेल से समझा दूंगा। अगर आप आने वाली वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो अभी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, और अगर अब तक पिछली वीडियोस नहीं देखी तो इस वीडियो के एंड पे प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिलेगा, वो लिंक भी फॉलो करके आप पूरी वीडियोस सीक्वेंस में देख सकते हैं। ओके, आई नो कि अभी वीडियो स्टार्ट नहीं हुई और ऑलरेडी हमारे कुछ मिनट्स हो चुके हैं, लेकिन एक आखिरी बात सुन लें। इस वीडियो के एंड में मैंने एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई है जो शायद आज से पहले आपको किसी ने ना बताई हो, तो मेक श्योर आपका वीडियो को बीच में कहीं पर भी स्किप करने का दिल करे या छोड़ने का दिल करे तो लास्ट पार्ट देख के तभी आपने क्विट करनी है, वरना आपने क्विट नहीं करनी। चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का फ्रेमवर्क हम डिस्कस करते हैं। इस फ्रेमवर्क में 9 चीजें हैं जो मुझे आज की वीडियो में आपको बतानी है। सबसे पहले इस फ्रेमवर्क का मैंने आपको ओवरव्यू देना है। नंबर 2, मैंने आपको यहां पे निश सिलेक्शन बतानी है, इसमें निशेज एग्जिस्ट कौन सी करती हैं ये बताना है। नंबर 3, टाइटल सिलेक्शन कैसे होनी है ये बताना है। नंबर 4, स्क्रिप्ट कैसे लिखना है इन वीडियोस का ये बताना है। नंबर 5, यहां पे मैं आपको बताऊंगा वॉइस ओवर कैसे जनरेट करना है। नंबर 6, यहां पे हम वीडियो एडिट करने के तरीके को भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे थंबनेल क्रिएशन को, फिर हम यूट्यूब एसईओ को डिस्कस करेंगे, एंड एट द एंड हम इस फ्रेमवर्क के प्रोज एंड कॉन्स दोनों को डिस्कस करेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द ओवरव्यू, मैंने जैसा कि आपको थोड़ा सा हिंट दिया कि इस फ्रेमवर्क में हम वायरल वीडियोस पे काम करते हैं, हम यहां पे ऐसी वीडियोस पे काम करते हैं जो ब्राउज फीचर के थ्रू आपको व्यूज लाके देते हैं। एपिसोड नंबर 7 में मैंने आपको डिटेल से बताया कि कौन कौन से ट्रैफिक सोर्सेज हैं, यूट्यूब पे व्यूज हमें आते कहां कहां से हैं। कभी हमें सर्च से व्यूज आ रहे होते हैं, कभी हमें ब्राउज से व्यूज आ रहे होते हैं, कभी हमें एक्सटर्नल लिंक से व्यूज आ रहे होते हैं। तो ये आपने समझ लिया होगा अभी तक अगर आप इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं कि यूट्यूब पे डिफरेंट सोर्सेज हैं, राइट। अब इस फ्रेमवर्क में हम सिर्फ और सिर्फ टारगेट करते हैं ब्राउज फीचर को, कि हमें व्यूज जो आने चाहिए वो ब्राउज फीचर से आने चाहिए, यानी हम यूट्यूब पे डिपेंडेंट हो रहे होते हैं कि यूट्यूब हमारी वीडियो को पुश करे नए से नई ऑडियंस की तरफ और उनके ब्राउज फीचर से हमें व्यूज लाके दे। ब्राउज फीचर क्या होता है, आपने कभी यूट्यूब की ऐप ओपन की होगी, आपके सामने खुद ही यूट्यूब नई से नई वीडियोस लाके दे रहा होता है कि इस पे क्लिक कर लो, इस पे क्लिक कर लो, फिर जो आपको पसंद आती है आप उस पे क्लिक करते हैं और अगर वो थोड़ी इंगेजिंग हो तो आप उस वीडियो को एंड तक पूरा देखते हैं, राइट। अब मिसाल के तौर पर वायरल वीडियोज कौन सी हो सकती है या ब्राउज के थ्रू व्यूज लेके जाने वाली वीडियोज कौन सी हो सकती है। देखें, अगर आप डकी भाई को फॉलो करते हैं तो उसकी वीडियो का अगर टाइटल है कि आज मैं शॉपिंग पे गया, तो कभी भी हम उसको सर्च करके नहीं जाते कि आज मैं शॉपिंग पे गया, एंटर किया और जो वीडियोस सामने आ रही हैं उसमें से जो हमें पसंद आती है उस पर क्लिक करते हैं और फिर हम डकी भाई की वीडियो पे पहुंचते हैं। नो, हम क्या करते हैं, यूट्यूब की ऐप ओपन करते हैं, अगर तो हमारे सामने ये डकी भाई की वीडियो आ गई और हमें थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगी हम उस पर क्लिक कर देंगे, वरना हम यूट्यूब सर्च पे जाके कभी भी इसका टाइटल नहीं लिखेंगे बल्कि डकी भाई के यूट्यूब चैनल का नाम लिखेंगे और उसमें से जाके इसकी वीडियो को फाइंड कर लेंगे। ये दो ही सोर्सेज हैं इस तरह की वीडियो में पहुंचने के। सिमिलरली बच्चों के कार्टून आपने देखे होंगे, कभी भी हम उनको जाके सर्च नहीं करते, बच्चों के सामने वो खुद आते हैं, बच्चे उस पर क्लिक करते हैं एंड यस उनकी वीडियो को व्यू पहुंच जाता है। स्पोर्ट्स की बहुत सी ऐसी वीडियोज हैं जो हमारे सामने खुद आती हैं, हम उस पर क्लिक कर देते हैं। फैक्ट्स रिलेटेड बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं जो हमारे सामने आती हैं, हम उस पर क्लिक कर देते हैं। बहुत सी न्यूज हैं जो हमारे सामने आती हैं, उस पर क्लिक कर देते हैं। बहुत सी ऐसी स्टोरीज हैं जो हमारे सामने आती हैं, हम उस पर क्लिक कर देते हैं। सो यहां तक आपको आइडिया मिल गया कि यार ट्रेडिशनल यूट्यूब ऑटोमेशन का फ्रेमवर्क एक्चुअल में है क्या। अब अगला जो हमारा सेकेंड पार्ट है, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि यहाँ पे निशेज कौन कौन सी एग्जिस्ट करती हैं। वैसे तो अगर हम एक्सप्लोर करने बैठे तो यहाँ पे 200-300 निशेज आराम से एग्जिस्ट करती हैं आज के टाइम पे, या इवन इससे ज्यादा भी। लेकिन
चलें मैं कोई गिनती की 10-15 आपके सामने रख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू टॉक अबाउट स्टोरीज, चाहे वो बिजनेस स्टोरीज हैं, चाहे वो क्राइम स्टोरीज हैं, चाहे वो हॉरर स्टोरीज हैं, चाहे वो किड स्टोरीज हैं, मोरल स्टोरीज हैं, वो सारी ऑलमोस्ट ब्राउज से ही व्यूज लेके जाएंगी। वो ऑलमोस्ट ऐसी हैं जो आपकी दिनों के अंदर मिलियंस में पहुंच सकती हैं। नंबर टू, अगर आप बात कर रहे हैं किसी भी किस्म की न्यूज़ की, चाहे वो पॉलिटिकल न्यूज़ है, चाहे वो कोई बिजनेस की न्यूज़ है, चाहे वो किसी सेलिब्रिटी की न्यूज़ है, तो वो भी ऑलमोस्ट ब्राउज के थ्रू ही व्यूज लेके जाएगी। नंबर थ्री, अगर आप किसी सेलिब्रिटी की बात कर रहे हैं तो वो भी ऑलमोस्ट यहाँ पे ब्राउज के थ्रू ही लेके जाएगी। चाहे सेलिब्रिटी का आप लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं, चाहे सेलिब्रिटी की कोई न्यूज़ है, चाहे सेलिब्रिटी का कोई स्कैंडल है, कुछ भी ऐसा है ना जो इंस्टेंट अटेंशन ले लेगा किसी भी ऑडियंस की, वो चीज़ ब्राउज के थ्रू ही व्यूज लेके जाएगी। उसके बाद कार्टून्स हैं या राइम्स हैं, ये भी ब्राउज के थ्रू व्यूज लेके जाएगा। स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई भी कंटेंट है, वो भी ब्राउज से रिलेटेड लेके जाएगा। पर्सनालिटीज, वो सेलिब्रिटीज के साथ ही आता है। मूवी रिलेटेड, यस, मूवी से रिलेटेड कोई भी कंटेंट है, वो भी आपका यहाँ पे ब्राउज के थ्रू व्यूज लेके जाएगा। कोई इवेंट है, दुनिया में कोई इवेंट चल रहा है, जैसे अभी यूएस में इलेक्शन आने वाले हैं उस पर अगर आप बात कर रहे हैं, इंडिया में इलेक्शन चल रहे हैं उस पर अगर आप बात कर रहे हैं, कोई भी बड़ा इवेंट, कोई स्पोर्ट्स का चाहे इवेंट है, कोई कॉन्ट्रोवर्सी होगी है, तो वो आप यहाँ पे अगर उस पर कॉन्टेंट बनाते हैं तो वो ब्राउज के थ्रू व्यूज लेके जाएगा। अब बाकी आप एपिसोड नंबर 8 में जाके खुद ये जज कर सकते हैं कि इसमें से कौन कौन सी निशेज ऐसी हैं जो ब्राउज के थ्रू व्यूज लेके जाएंगी, और मुझे कमेंट्स में भी आपने लाजमी बताना है। ओके, सो मूविंग टूवर्ड्स पार्ट 3, जहां पे हम ये देखते हैं कि टाइटल सिलेक्शन ऑफ वायरल वीडियोस कैसे करनी है। अब यार इस पे तो मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना दी है, एपिसोड नंबर 11 अगर आप जाके देखते हैं तो वहां पे 16 मिनट की वीडियो आपको सिर्फ यही समझा रही है कि वायरल वीडियोस के कीवर्ड्स कैसे फाइंड करनी है, वायरल वीडियोस के टाइटल कैसे फाइंड करने हैं। तो उसकी परेशानी नहीं लेनी, उसके लिए डायरेक्ट आपको जाना पड़ेगा एपिसोड नंबर 11 पे। फिर इससे अगले पॉइंट पे आते हैं कि ठीक है, साथ भी समझ में आ गया कि निच कैसे सेलेक्ट करनी है, मैं टॉपिक सिलेक्शन वाली वीडियो भी देख लूंगा। उससे अगले पार्ट पे आते हैं कि इस तरह की वीडियोस का स्क्रिप्ट कैसे लिखना है, क्योंकि आपने बताया इससे पिछले फ्रेमवर्क में स्क्रिप्ट कोई खास मैटर नहीं करता, या स्क्रिप्ट इतना कोई सोचा समझा हुआ लिखा हुआ क्राफ्ट किया हुआ स्क्रिप्ट नहीं होना चाहिए सर्चेबल वीडियोस में। तो इस फ्रेमवर्क में बेसिकली कैसा स्क्रिप्ट होना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर आप स्क्रिप्ट लिखने जा रहे हैं तो आपका स्क्रिप्ट बहुत ही फोकस के साथ लिखा होना चाहिए, उसकी हुक बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, उसकी पूरी आउटलाइन बहुत ही टाइम लगा के आपने निकाली होनी चाहिए। बार बार उसके अंदर आपने अपनी ऑडियंस को हुक करना है, बार बार अपनी ऑडियंस को आपने इस तरह से इंगेज करना है कि वो आपकी वीडियो को छोड़ के ना जाए, क्योंकि इस तरह की वीडियोज में आपकी स्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगेन एपिसोड नंबर 12 में आपको स्क्रिप्ट से रिलेटेड कंप्लीट स्ट्रेटेजी मिल जाएगी। फिर मूव करते हैं इसे अगले पार्ट में, विच इज वॉइस ओवर। अब वॉइस ओवर कैसे निकालना है, यहाँ पे खुद अगर आप चाह रहे हैं कि यार मैं खुद इसका वॉइस ओवर कर लूँ तो बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि मैं अपने किसी दोस्त जानने वाले रिश्तेदार को पकड़ लूँ और वो इसका वॉइस ओवर कर दे, अगर तो बहुत ही प्रोफिशिएंट किसी का एक्सेंट है, यानी पता नहीं लगता कि ये कोई गोरा है या कोई देसी या इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा है, तो फिर तो आप अपने दोस्त, आपका कोई ऐसा जानने वाला जो मे बी गोरों से बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करता है, फिर आप उसको ये आउटसोर्स कर सकते हैं, वरना आप रिलाई कर लें या तो AI वॉइस ओवर पे या फाइवर या अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म से, अगर आप कोई गोरा हायर कर सकते हैं देन दैट्स द ओनली ऑप्शन फॉर यू। फिर इसे अगले पार्ट में मूव करते हैं कि साथ भाई वायरल वीडियोस की वीडियो एडिटिंग कैसे करनी है। ये तो आपने नहीं सिखाई, ये इस कोर्स में मैंने नहीं सिखाई, लेकिन मेरे ही चैनल पे आपको एक 100 मिनट की मास्टर क्लास मिलेगी जिसमें 100 मिनट लगा के मैंने आपको ये समझाया है कि वायरल वीडियोस की एडिटिंग कैसे करते हैं। उसके बाद अपने 7th पॉइंट पे आते हैं, विच इज थंबनेल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने रिसेंटली जो मेरे स्टूडेंट्स हैं YouTube ऑटोमेशन मास्टरी प्रोग्राम के, उनको एक चैलेंज दिया कि आप लोग मेरे साथ, मैंने भी एक चैलेंज दिया था अपने YouTube चैनल पे कि रोज एक वीडियो अपलोड करूंगा, उनको भी मैंने ये चैलेंज दिया कि वो लोग अपने फेसलेस चैनल पे रोज एक वीडियो अपलोड करें, देखते हैं एट द एंड कौन जीतता है, और उसको 10,000 रुपीज मैं गिव अवे दूंगा। तो तकरीबन 12 लोगों ने उसमें पार्ट लिया और मैं रेगुलरली उनके चैनल्स का ऑडिट भी करता रहा, उनको रिस्पांस भी देता रहा, उनको बताता भी रहा कि आप क्या सही कर रहे हो और क्या गलत कर रहे हो। तो उन 12 में से 11 लोग ऐसे थे जो अच्छी वीडियो बनाना चाह रहे थे, एडिटिंग पे भी काम कर रहे थे, कीवर्ड्स पे भी थोड़ा बहुत काम कर रहे थे, लेकिन उनके जो थंबनेल्स थे ना वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। मोस्टली लोग उसमें वायरल वीडियोस पे ही काम कर रहे थे, तो यहाँ तो थंबनेल बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए आपका। अब जिन लोगों को नहीं पता, मैंने 15 थंबनेल्स की PhD फाइल्स, अपने थंबनेल्स की और कुछ फेसलेस वीडियोस के भी थंबनेल्स की मैंने PhD फाइल्स आप लोगों को ऑफर किए हैं। अगर आप वो ले लेते हैं, उसमें जितने फॉन्ट्स हैं, जितने उसमें
स्टाइल्स हैं, जितने उसमें एलिमेंट्स ऐड होने हैं, वो सारे एक पैक के अंदर इन्वॉल्व हैं। आपने थोड़ी सी बस उसमें एडिटिंग करनी है, टेक्स्ट चेंज करना है, अपनी पिक्चर लगा देनी है मेरी जगह, तो आपका थंबनेल रेडी है। जिस तरह का मेरी वीडियोस के थंबनेल होते हैं, उस तरह के थंबनेल्स आपके रेडी हैं। उसकी प्राइस एक थंबनेल की प्राइस के बराबर भी नहीं है, और मैं आपको 15 थंबनेल्स दे रहा हूँ, साथ में उसकी PSD फाइल्स दे रहा हूँ, साथ में ASL फाइल दे रहा हूँ, साथ में वो यूज कैसे करना है वो बता रहा हूँ, और वो लाइफ टाइम आपके पास है। उसके कलर्स चेंज करें, टेक्स्ट चेंज करें, फॉन्ट चेंज करें, जो मर्जी चेंज करें, आपकी फाइल रेडी है। तो वायरल वीडियोस के थंबनेल का मसला आपको यहां डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक है ये सॉल्व करके दे देगा। उसके बाद आते हैं अपने 8th पॉइंट पे, विच इज SEO। तो इस फ्रेमवर्क में SEO बिल्कुल भी मैटर नहीं करती, आप इसको छोड़ ही दें, SEO पे आपने कोई काम नहीं करना। सिर्फ आपका टाइटल जो है वो अच्छा होना चाहिए, और टाइटल कैसे सिलेक्ट करना है वो मैंने आपको ऊपर वाले पार्ट में बता दिया। उसके बाद आते हैं अपने लास्ट पार्ट पे, विच इज प्रोज एंड कॉन्स। अब इस फ्रेमवर्क के फायदे क्या हैं? कोई तो फायदे होंगे ना, फायदे डेफिनेटली बहुत से लोगों को नजर में आते हैं कि यार इधर व्यूज बहुत जल्दी आते हैं, इधर वीडियोस वायरल बहुत जल्दी जाती हैं, इधर अर्निंग एकदम से बहुत ज्यादा हो जाती है, इधर 4 से 6 महीने में भी बहुत अच्छे पैसे बन सकते हैं। ये डेफिनेटली इसके कुछ फायदे हैं, लेकिन अब आते हैं इसके कॉन्स की तरफ कि इसके नुकसान क्या हैं, ये भी हमें पता होने चाहिए, फिर हम बेहतर डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे इस फ्रेमवर्क में जाना है या नहीं। अब इसके नुकसान की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको एकदम से अपने चैनल पे बहुत बड़ा स्पाइक देखने को मिलेगा, अगर तो आपकी कोई ना कोई वीडियो वायरल चलेगी। वो वीडियो वायरल जाएगी लेकिन एकदम से YouTube उसको रिकमेंड करना रोक देगा, तो वहीं से आपके व्यूज नीचे भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये आपको बहुत लोग बताएंगे कि मैंने $30 की एक वीडियो बनाई और उस $30 की वीडियो ने मुझे $3,000 कमा के दिए, लेकिन मैं आपका भाई अगर आपको जेन्युइन बात बताऊं ना, तो वो ये है कि $30 की उसने कितनी वीडियोज बनाई तब जाके उसकी एक $30 वाली वीडियो $3,000 उसको कमा के दे के गई है। तो मेरा मकसद आपको यहाँ पर डिमोटिवेट करना नहीं है, बल्कि आपको ये रियलिटी चेक देना है कि एक आधी वीडियो होगी जो एकदम से वायरल जाएगी, बहुत सी ऐसी होंगी जो फेल जाएंगी। नंबर 2, इसका नुकसान ये है कि ये बहुत एक्सपेंसिव फ्रेमवर्क है। अगर आपके पास बजट नहीं है या अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है डेली, तो फिर शायद आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो बस ये देख लीजिएगा, अगर बजट है या बहुत ज्यादा टाइम है और अच्छे स्किल्स हैं तभी इस फ्रेमवर्क में जाना है, वरना शायद कोई और फ्रेमवर्क आपको सूट कर जाए। अब आप कहेंगे कि साथ भाई और कौन से फ्रेमवर्क्स हैं? YouTube सर्च ऑटोमेशन तो आपने बताया, ट्रेडिशनल YouTube ऑटोमेशन आपने बता दिया, तो मैं जैसा कि आपको बताता हूं कि इसके 6 फ्रेमवर्क्स हैं। एक हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया, एक आज कर लिया, एक और है YouTube शॉर्ट्स ऑटोमेशन के नाम से, जहां पे हम सिर्फ डिस्कस करते हैं कि शॉर्ट्स को कैसे लेके चलना है, उसके थंबनेल्स कैसे होने चाहिए, उसकी वीडियो एडिटिंग कैसे होनी चाहिए, उसमें कीवर्ड रिसर्च क्या मैटर करती है क्या नहीं करती, उसमें वॉइस ओवर कौन सा होना चाहिए, तो एक फ्रेमवर्क ये है। इसके अलावा भी 3 फ्रेमवर्क्स और हैं जो हमने अपने जो हमारा पेड कोर्स है YouTube ऑटोमेशन मास्टरी के नाम से, उस कोर्स में हमने ये डिस्कस किए हुए हैं। उसकी आउटलाइन भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे आप देखेंगे कि जो मॉड्यूल नंबर 10, 11 और 12 है वो सीक्रेट है, उसके आगे सीक्रेट लिखा हुआ है, और सिर्फ मेरे पेड स्टूडेंट्स तक ही उस इंफॉर्मेशन की रसाई है। उसके अलावा जनरली आई डोंट स्पीक अबाउट देम ऑन माय YouTube चैनल। सो दैट वॉज ऑल फॉर फ्रेमवर्क्स, यहां तक हमारे फ्रेमवर्क्स हो गए हैं। कल से हम मजीद और चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, तो मेक श्योर अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो में आपको क्या इंटरेस्टिंग लगा है वो भी मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं। मिलते हैं इंशाल्लाह कल की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।